दोस्तों अब हम हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए रवाना हो गया है। ये ट्रेन खड़ी है, इसमें बैठ के जाएंगे हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, और आपको ऋषिकेश के भी काफ़ी वीडियो देखने को मिलेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ के वीडियो आपको दिखाते हैं आज। हाँ दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ और आज शाम तक वहीं रहेंगे, और इसके बाद में दोस्तों जब कभी भी आएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो आने वाले हैं। बने रहिए चैनल पे। हम कुछ अल्पाहार ले लेते हैं, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है तो पेट में थोड़ा ऐसा हो रहा है तो ये खा लेते हैं। आपका परिचय करा देता हूँ, ये तो आप जानते होंगे कैमरामैन मंगल, ये हमारे भाई साहब टीटी रेलवे में है विनोद, और ये है पीएनबी बैंक में मैनेजर। नमस्कार, नाम क्या है सर आपका? आर के मीणा जी है, पीएनबी बैंक में मैनेजर हैं, और हम सारे जा रहे हैं, ये विथ फैमिली हैं हम रंडक मंडक। तो दोस्तों अब हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, कितना शानदार दृश्य दोस्तों, ये ट्रेन से लग रहा है, कितना मनोहर दृश्य है आप ये देख रहे होंगे। और ये हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाते हुए रास्ते में ये एक सिटी पड़ती है छोटी सी, उसका ये दृश्य हरिद्वार का ये हिस्सा है, और ये पहाड़ देखो दोस्तों कितने शानदार पहाड़ हैं। आप इसका अच्छी तरह से एक बार नज़ारा देख लो, ये ट्रेन से जाते हुए है दोस्तों, रोड का भी एक रास्ता है पर वहाँ भी एक ऐसे ही नज़ारे हैं, पर इतने शानदार नज़ारे आपको रोड से नहीं मिलेंगे। और ये कितना शानदार और अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, कितना ज़बरदस्त दृश्य दोस्तों। मैं तो यूँ कहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर आइए और इस जगह को देखिए, कितना मनोरक दृश्य है। ये राजा जी नेशनल पार्क का ही कुछ हिस्सा है और आप देख रहे होंगे, और ये थोड़ी सी आगे चलते हैं, मेरे को नदी दिखाई दे रही है, बट दोस्तों ये देखिए इसका रेलवे का केबिन है और ये नदी है, ये नदी का हिस्सा है, ये नदी सूखी है दोस्तों, फिलहाल पानी नहीं है पर नदियाँ आती रहती है, नदी है, ये भी गंगा में ही जाकर मिलती है दोस्तों। ये हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं ट्रेन से, और ये जंगल का रास्ता आप देखिए, ये जंगल देखिए, और ये कितना शानदार दृश्य है। ये एक नेशनल अभ्यारण्य है, यहाँ पे फिलहाल तो कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जानवर हैं, और देखिए पहाड़ कितना शानदार दृश्य पहाड़ का, और ये आप देख रहे होंगे पहाड़ का दृश्य, छोटे छोटे घर, और ये देखिए जीपी, वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, और एक छोटा सा लोहे का पुल आने वाला है, एक नदी आने वाली है। और अब आपको बताऊं, ये देखिए ये गंगा जी का रूप है, ये है गंगा माता, ये देखिए दोस्तों काफ़ी दूर तक दिखे, यही है गंगा जी जो पहाड़ों से बहकर आ रही है, और ये देखिए इतना शानदार दृश्य। ये दोस्तों चावल की खेती, ये देखिए चावल ऐसे लगाए जाते हैं पानी में, और गन्ना भी है, और ये सारे रास्ते गन्ने और चावल, गन्ना और चावल, ये देखिए और आपको चावल मिलेगा, कितना पानी है और उस पानी में ये चावल लगाए जाते हैं, और ये बड़े होने के बाद उनको काट के, देखिए दोस्तों वहाँ भी है चावल, और ये शानदार आमों के बगीचे और सीटियाँ हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि पहाड़ पर देखिए, पहाड़ पर बादल ही बादल है, और दोस्तों यही वो कारखाना है, मैं इसी की बात कर रहा था, जिस पर लकड़ियों को जंगल से काटकर, चीड़ की और सागवान की लकड़ियों को काटकर उनको इमारती और फर्नीचर के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो लकड़ियों का यहाँ पे काम किया जाता है, वो लकड़ियाँ यहाँ ला के उनको फर्नीचर के योग्य बना के, और फिर उनको बाज़ार में बेचने के लिए रखते हैं। ये काफ़ी बड़ा कारखाना है, काफ़ी बहुत ही बड़ा कारखाना है, ये इमरती लकड़ियों को चीर के और काट के पेड़ों से, और उनको फिर फर्नीचर के रूप में काम लिए जाते हैं। और अब आप देख रहे होंगे सामने जो पहाड़ है उन पर बादल, देखिए काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बादल छाए हुए हैं, और ये देखिए दोस्तों हल्की हल्की बारिश है,
झिलमिल झिलमिल चल रहा है और कितना खतरनाक दृश्य है। आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए कितना शानदार दृश्य। बादलों पर बादल देखिए दोस्तों, पहाड़ पर कैसे छाए हुए हैं। आपको बड़ा शानदार दृश्य देखने को लग रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, ये दोस्तों ये पहाड़ पर हैं बादल। और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये पहाड़ है और उसके ऊपर बादल। ये दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितने शानदार दृश्य दोस्तों, इतना शानदार दृश्य दोस्तों। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जाते हैं, उस रास्ते में ये शानदार दृश्य हैं दोस्तों। आप भी कभी आइए, ट्रेन से यात्रा करिए, बहुत ही मस्त यात्रा रहेगी दोस्तों। ऐसा वातावरण पर्यावरण मैंने कभी नहीं देखा, बहुत शानदार दृश्य दोस्तों। आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ और सामने का दृश्य आप देख रहे हैं, ऋषिकेश से की तरफ जा रहे हैं हम। और ये है योगा हरिद्वार में ट्रेन है, और कितना शानदार दृश्य। आप उधर देखो, कितना पहाड़ है, पहाड़ों पर बादल है और बरसात का मौसम है। और दोस्तों आप भी कभी आइए ऋषिकेश के लिए, तो हरिद्वार तक ट्रेन आती है, फिर हरिद्वार से सिर्फ 2-4 ट्रेन ही जाती है। जयपुर से उदयपुर सिटी आती है और हरिद्वार अहमदाबाद मेल आती है, वो भी ऋषिकेश जाती है, और आपको ये ऋषिकेश पहुंचा देगी। और आप आइए, बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊं कि ज़्यादातर लोग हरिद्वार आके उतर जाते हैं, जबकि ये ट्रेनें ऋषिकेश तक जाती है। वहाँ तक घूमिए और यहाँ आप प्रकृति का आनंद लीजिए। प्रकृति कितनी मस्त और कितनी ज़बरदस्त प्रकृति है दोस्तों। मैंने ऐसे दृश्य अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। आप देख रहे होंगे वो सामने पहाड़ है, अब आप देखिए सामने पहाड़ और उन पर बादल, कितने शानदार दृश्य दोस्तों, बहुत शानदार दृश्य। आप भी आइए। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने ये पहला ब्लॉग चैनल बनाया है। ये मेरा पहला ट्रेन ब्लॉग है दोस्तों, मैंने पहले ट्रेन से कभी ब्लॉग नहीं बनाया, कभी ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया, जबकि मैं अपने चैनल को एक ब्लॉग्स के रूप में मैंने वो किया। इधर देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, इधर देखिए ये रुद्राक्ष के पेड़, और कितने खतरनाक रुद्राक्ष आ रहे हैं। ये देखिए आप, कितने ज़बरदस्त पेड़ हैं, और इनके रुद्राक्ष भी आपको देखने के मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार 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 दृश्य दोस्तों। और ये सिटी और वो पहाड़ देखिए, वो पहाड़ों के बीच में दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ों के ऊपर बादल हैं। और कितना शानदार दृश्य दोस्तों, आपने ट्रेन देखी होगी। और ऐसा ब्लॉग दोस्तों मैंने पहली बार बनाया है, क्योंकि मेरे मन में आया कि मैं हमेशा जाता रहता हूँ कहीं भी, तो मैंने ऐसा था कि आज अपने ब्लॉग चैनल पे ऐसा भी ब्लॉग डाल दे, जिससे भी हम आप लोगों को दिखा सके कि कैसे कैसे व्यूज़ और हम जाते हैं वहाँ के। ये देखिए आप बिल्कुल समीप से देखिए दोस्तों, कितना पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, और ये बीच में थोड़े से नीलगिरी के वृक्ष आ गए। ये देखिए सामने, इतना शानदार दृश्य दोस्तों मैंने कभी भी नहीं देखा। मैं दोस्तों एक बार फिर आऊँगा और काफ़ी बड़े ब्लॉग लाऊँगा आपके लिए, बड़े बड़े ब्लॉग लाऊँगा। आप देख सकते हो कितना शानदार दृश्य, ऐसा दृश्य दोस्तों आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों आप ये देख रहे हो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड देहरादून से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये हरिद्वार और ऋषिकेश, यहीं पर महाराजा फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ये देहरादून के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। पहले इसको 3 अभ्यारण्य हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद 2-3 थे, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला, लेकिन 1983 के लगभग इनको मिलाकर एक कर दिया गया। इसके अलावा राजा जी में हिरण, चीते, सांभर, मोर ये पाए जाते हैं। इसमें पक्षियों की 315 जो इंडिया में कहीं नहीं है, 315 प्रजातियां पाई जाती है। तो दोस्तों आपने सुना, ये विनोद जी बता रहे थे, और
क्योंकि वो यहाँ आते रहते हैं, उनका अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं ऋषिकेश, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ये ट्रेन आउटर पे पहुँच गई है। और दोस्तों ऋषिकेश के वीडियो आपके लिए आने वाले हैं, आप बने रहिए चैनल पे। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों मुझे सजेशन दीजिए आपको और कैसे वीडियो चाहिए, और मैं धार्मिक स्थल और ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। ऋषिकेश जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतर गए, ट्रेन यहीं तक जाती है, इसके बाद में हम और घूमेंगे और आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ये ट्रेन है जिसमें हम आए थे, और शाम को यहीं से दूसरी ट्रेन में जाएंगे। अभी तो इस स्टेशन का काम ही चल रहा है, और बहुत शानदार जगह दोस्तों आज हम आपको घुमाने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला और सीता झूला की तरफ। नीलकंठ महादेव मंदिर का भी आपको वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। ये स्टेशन रेलवे स्टेशन नहीं है, ये एयरपोर्ट के जैसा लगता है। बहुत शानदार रेलवे स्टेशन है, और अभी नया ही बनाया गया है। ऋषिकेश सिटी की तरफ अब हम चल रहे हैं, आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक आप आई बटन और एंड बटन की वीडियो देखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।